Presented by Chhattisgarh Tourism Board, Chhattisgarh, full of surprises. Hospitality partner, The Ravis, heaven in God's own country. Supported by Incredible India. Trade media partner, Travel Biz Monitor. धनतेरस के पावन मौके पर इंडिया गोल्ड इस स्वर्ण कलश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हमारे जानकारों के पैनल की मदद से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोने में आपको कैसे निवेश करके अपना दिन शुभ बनाना चाहिए और पोर्टफोलियो को चमकाना चाहिए। मिस्टर शाह, जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि कंजम्पशन स्टोरी और इन्वेस्टमेंट स्टोरी जो गोल्ड में है वो बड़ी तगड़ी है। अल्टीमेटली लोग सेविंग्स को ध्यान में रख कर ही जाते हैं, लेकिन मुझे बताइए, चलिए फिजिकल गोल्ड तो हमारे बाप दादा के ज़माने से लोग लेते ही आ रहे हैं, लेकिन जो नए ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं, क्या उन्हें एक्सेप्टेंस मिल रही है भारतीयों में? डेफिनेटली, आप देखें, फिजिकल गोल्ड तो स्टोरी हुई है। आप पहले 6 महीने के आंकड़े देखे तो 22% वॉल्यूम वाइज ग्रोथ हुआ था, लेकिन ETFs और गोल्ड फंड्स पिछले साल, अब आज का सेम पीरियड देखे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया होल्डिंग। सो वो एक एक्सेप्टेंस ऊपर कर आ रहा है। थोड़ा स्लो हुआ था स्टार्ट, लेकिन आई थिंक इट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय अर्बन मिडिल क्लास वर्किंग पीपल, सो वो अच्छा है। लेकिन रूरल फ्रंट पे अभी भी लोग फिजिकल, रूरल में एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज़ ETF के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, गोल्ड फंड इज यू नो ओवरकमिंग दैट। और एक और बात कहना चाहूंगा, इंडिया में गोल्ड खरीदना एक क्वेश्चन नहीं है, सब लोग को खरीदना है। कैसे खरीदे, कब खरीदे और कहाँ से खरीदे, वो क्वेश्चन है। आई थिंक आपका प्रोग्राम सही है, बिल्कुल हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हमने यहाँ पर बात की थी गोल्ड फंड के बारे में ब्रेक से जाने से पहले, समझने की कोशिश की थी आखिर है क्या, लेकिन इसमें निवेश का तरीका क्या है, कैसे आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं, मिनिमम स्टार्टअप अमाउंट यहाँ क्या है, संदीप से हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें स्टार्टिंग के लिए मिनिमम 100 रुपये की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वैसे मिनिमम साइज 5,000 है। दूसरा, इसका स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, आपको एक अपने या तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए या रिलायंस म्यूचुअल फंड के ऑफिस में आइए या वेबसाइट पर हमारे आके आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हुंडिया जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर बनता है वायदा और अब पेपर ट्रेड। सोने में निवेश के बहुत सारे विकल्प सामने आ गए हैं, आप लोग हाजिर में ऐसा क्या कर रहे हैं कि निवेशकों के लिए कुछ खास निकल कर आए? क्या शुद्धता के फ्रंट पर या कीमत के मामले में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे ताकि उनका फिजिकल में जो रुझान है वो बना रहे या और बढ़े? देखो, फिजिकल चीज अलग है, फिजिकल में जिसको जो लेना है वो लेते ही है, पर हम लोग जो भी फिजिकल गोल्ड बेचते हैं वो इम्पोर्टेड गोल्ड होता है और इसमें प्योरिटी या उसका कोई सवाल ही नहीं होता है। और हमारे पास या तो 100 ग्राम्स होगा या 1 kg होगा, या कॉइन्स के जो डीलर है वो कॉइन्स बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिजिकल का ही पूरा थीम है और फिजिकल तो हमेशा बिकता है। और धनतेरस में तो आप पूछो ही नहीं, और ऐसा भी मतलब जिस तरह से डिमांड का जो पोजीशन रहता है, अगर भाव घटना शुरू हो जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ओके, चलिए, यानी कि इस साल की बात की जाए, जी जी, अगर इस साल की बात की जाए तो आज की टाइम में जो पिछले मैंने 15 दिन में जो देखा है, जो मार्केट का व्यू लिया है, उसमें ज्वेलर्स और ज्वेलरी का डिमांड नहीं है। जो भी डिमांड है वो 1 ग्राम से लगा के 10 ग्राम कॉइन्स की डिमांड है, और वो बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। ओके, यानी कि कैसा भी टाइम रहे लोग सोने में पैसा लगाना चाहते हैं, और खास तौर से त्योहार का मौका है, सिक्के बार बहुत ज्यादा बिकते हैं और इसमें अलग से कुछ कारोबारियों को करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कुणाल, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ब्रोकिंग फर्म में हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट से मिलते हैं, आप हमें ये बताइए कि अगर धनतेरस का मौका है, लोग आज से सोने में पैसा लगाना चाहें, तो सबसे सुरक्षित और आसान निवेश सोने के कौन से ऑप्शन में हो सकता है? वेल, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, वन इज़ गोल्ड ETF एंड वन इज़ ई गोल्ड। द मेजर एडवांटेज ऑफ ई गोल्ड ओवर गोल्ड ETF इज़ दैट यू हैव ओवरनाइट ट्रेडिंग, सो आपको कभी भी ओवरनाइट भी आपकी पोजिशन स्क्वायर ऑफ करनी है बिकॉज ऑफ एनी टर्बुलेंट न्यूज़ और एनीथिंग, यू कैन डू इट। और दूसरा जो ऑप्शन है, जो प्रिविलेज है, वो है डिलीवरी। इन ई गोल्ड यू हैव अ प्रिविलेज टू गेट द डिलीवरी, आपका जितना भी सिक्के है उस आपके अपने जो लॉट बाय किए उसके आप इमीडिएटली 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इंटेंशन के बाद आपको डिलीवरी मिल सकती है। सो आई थिंक गोल्ड ETF एंड ई गोल्ड बोथ आर गुड ऑप्शंस, बट आई विल प्रीफर ई गोल्ड ओवर गोल्ड ETF।
चलिए, तो आपने देखा बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे प्रिफर करते हैं और किस तरह से सावधानी बरत के आज आप धनतेरस के दिन अपना शुभ निवेश कर सकते हैं। हुंडिया जी, आपका बहुत शुक्रिया समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा केयूर और कुणाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और धनतेरस के मौके पर हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो आपने देखा धनतेरस और दिवाली के मौके पर सोने में निवेश के कितने सारे विकल्प मौजूद हैं। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक विकल्प चुनिए, रिटर्न मिलना तय है, लेकिन कितना मिलेगा अगली दिवाली तक आपको रिटर्न, ये हम जानने की कोशिश बेशक करेंगे दोपहर 11:30 बजे सिर्फ CNBC आवाज़ पर। सन ज्वेलर्स की तरफ से